जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड के बीच ये T20 मैच है, इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, लास्ट में मैं आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर मिलेगा। तो अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों बांग्लादेश से लिटन दास, रोनी तालुकदार, एन हुसैन संतु, तोवेद हरिदोय, साकिब अल हसन जो कि दोस्तों कप्तान है बांग्लादेश के, अफीफ हसन, समीम पतवारी, तस्किन अहमद, नसूम अहमद, एम रहमान, हसन महमूद। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि बांग्लादेश की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ इंग्लैंड की। तो फिलिप सॉल, जॉस बटलर जो कि दोस्तों कप्तान है इंग्लैंड के, दाविद मलन, वेन डकैत, मोइन अली, सेम करन, क्रिस बॉक्स, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, जोफा आचर, मार्क वुड। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बता दूँ ये मुकाबला 12 मार्च संडे को दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका बांग्लादेश में। बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो ये वेलेस्ट पिच है, अभी तक टोटल यहाँ 35 मैचेस खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किए उन्होंने 31 मुकाबले जीते हैं, जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किए उन्होंने 34 मुकाबले जीते हैं फ्रेंड्स। जो एवरेज स्कोर रहा है इस पिच का वो 140 रहा है फ्रेंड्स, और बॉलिंग फर्स्ट आफ्टर विनिंग टॉस राइट डिसीजन फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ वेदर रिपोर्ट की। जो ढाका का टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है दोस्तों जिस दिन मैच होगा, और 3.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा फ्रेंड्स। बात करता हूँ शेर बंगला नेशनल स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की। तो दोस्तों टोटल 65 मैचेस खेले गए हैं, जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किए उन्होंने 31 मैच जीते हैं, जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किए उन्होंने 34 मैच जीते हैं। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है 140 रहा है, और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है 122 रहा है फ्रेंड्स। हाईएस्ट टोटल अभी तक का 211 चार विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट टोटल 60 10 विकेट के साथ रहा है फ्रेंड्स। हाईएस्ट चेज जो स्कोर रहा है वो 194 चार विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट डिफेंडेड 85 10 विकेट के साथ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ इस मैच में गिब्बे की। तो बता दूँ दोस्तों इस मैच में 5,000 रुपये का फ्री गिब्बे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपये का फ्री गिब्बे दिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन की। तो बांग्लादेश जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप बांग्लादेश के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ अपनी ड्रीम 11 टीम की। तो मैंने अपनी ड्रीम 11 टीम में जॉस बटलर, लिटन दास, दाविद मलन, टोए हरिदोय, साकिब अल हसन, मोइन अली, सेम करन, आदिल राशिद, तास्किन अहमद, क्रिस जॉर्डन, नसूम अहमद। दोस्तों आप ये मेरी ड्रीम 11 टीम देख सकते हो जो कि मैंने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाया है, मोइन अली को कप्तान बनाया है, और वाइस कप्तान दोस्तों मैंने लिटन दास को अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कप्तान बनाया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ टॉस प्रिडिक्शन की। जो आज का टॉस है वो कौन जीत सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रिडिक्शन आज का टॉस है बांग्लादेश टॉस जीत सकती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ मैच एक्सपर्ट एडवाइस की। तो आप नाजमुल हुसैन को दोस्तों आप स्मॉल लीग में कप्तान बना सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, एंड साकिब अल हसन को आप एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग में बना सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ हेड टू हेड मुकाबले की दोनों टीमों में। तो बांग्लादेश जो कि केवल 6 मुकाबला जीता है हेड टू हेड, एंड इंग्लैंड जो कि दोस्तों 19 मुकाबला जीता है हेड टू हेड। बात करता हूँ फ्रेंड्स फैंटेसी टिप्स की। तो आप टॉप ऑर्डर बैटर अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी दोस्तों। विकेट कीपर में आप लिटन दास को, फिलिप सॉल और जॉस बटलर आप तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। पिच जो कि कंफर्टेबल रहने वाली है स्पिनर्स के लिए दोस्तों, ये पिच ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, तो स्पिनर्स को भी आप अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट करिए फ्रेंड्स। विनिंग प्रिडिक्शन की बात करूँ तो दोस्तों बांग्लादेश टीम जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है इंग्लैंड टीम से, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं, वो आप बांग्लादेश के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात करता हूँ कुछ मौके खिलाड़ी की जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। बांग्लादेश से लिटन दास, एन हुसैन संतु, साकिब अल हसन, एम रहमान। दोस्तों ये चार मुख्य खिलाड़ी हैं जो कि
बांग्लादेश से, तो आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स इंग्लैंड के कुछ मुख्य खिलाड़ी की, जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलिप सॉल, जॉस बटलर, दाविद मालान, मोइन अली, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, दोस्तों ये छह मुख्य खिलाड़ी हैं जो कि इंग्लैंड की ओर से इस मैच में बन सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कहता हूँ बेस्ट परफॉर्मर अभी तक के बांग्लादेश के, तो दोस्तों बता दूँ रिटॉन दास, रोनी तालुकदार, एन हुसैन सांतू, तवेद हरिदोय, साकेब अल हसन। एंड नेक्स्ट बात करता हूँ वेस्ट परफॉर्मर इंग्लैंड के, तो दोस्तों आपको बता दूँ फिलिप सॉल, जॉस बटलर, वैन डकर, मोइन अली, सैम करन, दोस्तों ये वेस्ट परफॉर्मर जो कि इंग्लैंड की ओर से रहे हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो आप लिटन दॉस को एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए वेस्ट चॉइस रहेगी। एंड साकेब अल हसन को एज अ कैप्टन आप स्मॉल लीग में सिलेक्ट करिए, आपके लिए वेस्ट चॉइस रहेगी फ्रेंड्स। बात करता हूँ फिलिप सॉल्ट की, जिनको आप एज अ वाइस कैप्टन दोस्तों ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए वेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। एंड जॉस बटलर को आप कप्तान ग्रैंड लीग में बना सकते हो दोस्तों, आपके लिए वेस्ट चॉइस रहेगी। इंजर्ड की बात करूँ तो दोनों टीमों में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है फ्रेंड्स। बात करता हूँ फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर मिलेगा, तो अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।